क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो चीज आप बिना पढ़े लिखे बिना डिग्री के आप ये चीज को नहीं कर सकते। नेल आर्ट स्टूडियोज, दिस इज द अपकमिंग थिंग। बड़े बड़े नेल्स रखना और उसको हर फंक्शन के हिसाब से उसको आर्ट बदलना और फिर उसको 7 दिन तक के रखना और 7 दिन को निकाल के फिर वापस रख देना और फिर 8वें दिन को दूसरा चिपका देना। अरे नेल्स नहीं है आपके, और नेल्स आपके कुछ अलग चल रहे हैं। पिंक है तो पिंक बना दिया, वॉयलेट है तो वॉयलेट कर दिया, हर सारी चीजें कर दी। इट्स अ बिग स्टूडियो बिजनेस विच इज कमिंग अप इन इंडिया। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, इन बॉम्बे एंड दिल्ली एज वेल एज इन बैंगलोर देर आर ह्यूज नेल आर्ट स्टूडियोज, दोज हैव ऑलरेडी कम अप। ऑब्वियसली यस, दिस इज एन अपवर्डली ड्रिवन लाइफस्टाइल है लोगों की, जहां पर वो लोग हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आपकी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो चीजें होती हैं। सेवन वन इज अ फैशन स्टोर। आई एम सॉरी, आई एम रनिंग डाउन फास्ट लुकिंग एट, आई होप आई एम नॉट रनिंग डाउन वेरी फास्ट, इज इट ओके? ओके, फैशन स्टोर अगर आप देखेंगे, हर किसी को अच्छा दिखना अच्छा लगता है, कोई नहीं चाहेगा कि मैं रिपीट कोई चीज करूँ और फैशन की दुनिया में। तो अगर आप देखेंगे तो ये पहले से भी था, लेकिन आज की तारीख में जो बुटीक चल गया है, जो फैशनेबल इन टर्म्स ऑफ अपैरल चल रही है आपकी, पूरा होल चीजों की चल रही है, इट्स अ ह्यूज बिजनेस। आज भी हमने इतवार में पढ़ा फिटनेस सेंटर में 2 दिन का इसी का ही मेला चल रहा है, बिकॉज अगर आप वहां जाओगे तो ऑल अबाउट फैशन होंगे, राइट? तो फैशन में ही पूरी दुनिया चल रही है। तो आप अगर दूसरे एंगल से देखोगे तो आपको अगर फैशन पे कोई चाहिए तो यू हैव टू हैव अ मिक्स, कौन सा राइट प्रोडक्ट मार्केट को देखते हुए कौन से चीजों का एड्रेस कर रहे हैं। मतलब मैं जब कह रहा हूं एड्रेसेबल, मतलब यूथ को कर रहे हैं, कॉलेज गोइंग को कर रहे हैं, वर्किंग क्लास को कर रहे हैं, आप शादीशुदा को कर रहे हैं, फैमिली वाले को कर रहे हैं, बड़े वालों को कर रहे हैं, छोटे, ये आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो क्या होगा, आपकी इन्वेंट्री रख जाएगी। एक कहावत है ना, फैशन स्टोर में टिक्की वाले ने भी कितना करोड़ों का धंधा कर लिया, क्योंकि जब वो टिक्की वाले ने जब सोचा कि जब दूल्हा इतनी बड़ी टीके लगा सकता है तो दुल्हन भी उतनी बड़ी टीके लगा सकती है। तो बड़ी थॉट है। आप देखिए, जब दूल्हे की टीकी आई तो लोगों ने बोला, जब पंडित जब आता था तो पंडित लेता था, वो टीका लगाता था, चावल लगाता, तो लोगों ने बोला कि जब इतना बड़ा टीका लगता है तो बोले टीकी वाले के दिमाग में क्यों नहीं, एक अच्छी इंडस्ट्री हो सकती है, क्योंकि वो मिट जाता है लेकिन 4 घंटे से चिपका रहेगा। वहीं से आपको आइडिया जनरेट होता है। अगर आप आइडिया देखेंगे, फैशन स्टोर का आइडिया आपको घर बैठे चलते फिरते आपको मिलेगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा दिखना होगा। यस, यू कैन ऑपरेट थ्रू ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स, पर्सनल कंसल्टेंसी, वो जो आपके जो मीडियम्स है वो आप अपने अपने मीडियम को आप यूज करके कर सकते हैं। आठवां, दिस माय लास्ट वन, आफ्टर स्कूल आफ्टर क्लास एक्टिविटी क्लासेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हर आदमी चाहता है कि स्कूल के बाद में क्या करूँ, क्लासेस के बाद क्या करूँ। हमने देखा होगा हमारे पड़ोसियों के पास में अगल बगल वोकल म्यूजिक चलती है, इंस्ट्रूमेंटल है, डांस है, पेंटिंग है, क्ले मॉडलिंग है, स्कल्पिंग है, क्राफ्ट है। आप देखेंगे अपने आप एक बिजनेस मॉडल है, अपने आप एक बिजनेस मॉडल है। लोग कहते हैं कि मैं ऐसे कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ। मैं दुबई में था, मैं आ रहा था एक कंपनी से, तो एक लेडी थी वो BMW से निकली, और मैं जब वहां पर पहुंचा तो मुझे, मेरा अपॉइंटमेंट था 11 बजे का, बट शी वॉक इन बिफोर मी, तो मैं थोड़ा इरिटेट हो गया क्योंकि वहां थोड़ा टाइमिंग का बड़ा स्ट्रिक्टनेस है। तो मैंने कहा जब मेरा टाइम दिया गया तो हाउ कैन विदाउट एनी अपॉइंटमेंट विदाउट एनी चिकन यू नो बात हो गया। वो बोले नहीं नहीं साहब, बोले ये तो बड़े स्पेशलिस्ट हो, नहीं इनको तो आप रोक ही नहीं सकते यहाँ पे, वो तो MD तक के चली जाती हैं। मैंने कहा वेरी गुड भाई, तो मतलब हाई प्रोफाइल की है, सब कुछ तो अच्छा लगा। तो मैंने क्यूरियोसिटी तो हुई, मेरी मीटिंग खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो मैं निकलते निकलते पूछ ही लिया। मैंने कहा मैडम करती, बोले कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही काम कर रही है। बोले क्या करती है? बोले वो समोसा सप्लाई करती है। आप आश्चर्य करेंगे, आप स्माइल कर रहे हैं और आप आश्चर्य करेंगे, इन दुबई काइंड ऑफ मार्केट शी सप्लाइज मोर देन 2 लाख समोसा पर डे। शी इज द ओनली वुमन हु हैज गॉट द स्पेशलिटीज ऑफ सप्लाइंग समोसा इन ऑल इंडियन कंपनीज एज वेल एज होटल, जहां पे भी वो काउंटर लगा रहता है वो समोसा सप्लाई कर रहा है। एंड एक्सक्लूसिवली, अगर आप उनसे पूछोगे ढोकला भी है, ये भी हो, ये नथिंग। The reason of giving this particular example is because if you relate to classes also, आप हमने यहाँ पे देखा नागपुर में, अगर एक देखा जाएगा तो वहां पे लिखा रहता है कि एक्टिविटी क्लासेस में 5-6 सब्जेक्ट मिल जाएंगे, सभी चीजें मिल जाएंगी, राइट? बट अगर आप स्पेशलाइजेशन के लिए अगर आप देखोगे तो वहां बहुत चैलेंज आ जाता है। तो अगर आप में किसी के पास में ये निक है, अगर आप ये चीज को समझते हैं कि दैट यू आर वेरी गुड इन समथिंग,
जहाँ पे आप हो, इंस्ट्रूमेंटल में हो आप, म्यूजिक में है, डांस में है, क्राफ्ट में है, गेट इन टू दैट फुल्ली 100%, बिलीव मी पीपल विल कम टू यू, देयर इज नथिंग इन टू दैट राइट. बट ये ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच विल इंक्रीज इन रिसेप्टिविटी एज वेल एज रीच. उसका रीजन क्या है, ये सारी चीजें अगेन डिसऑर्गेनाइज है. आप इसको ऑर्गेनाइज वैसे करेंगे तो आपको हो सकता है. ओके, सो बिफोर आई यू नो जंप इनटू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आई वेल यू नो आई हैव गिवन द एंटायर डायरेक्शन, आई वांट टू गिव यू अनदर डिस्क्लेमर. ये वही लोग बिजनेस कीजिएगा जो ये वीडियो देख के थोड़ा सा समझ पाए. ये वीडियो मेरे बहुत लाइकिंग का है जिससे मैंने एक वीडियो लिया है. Windows 7.
हम खुद आप थॉट ना क्या लगा उसको देख के हर मुसीबत में माँ पीछे खड़ी रहती परफेक्ट कैन वी हैव अ क्लैप फॉर माँ इसे या एब्सोल्युटली मदरहुड इज नो डाउट या दिस मैन Anyway, this video, what is the relevance to the topic? Yeah, I was coming to that. There is the need of pencil. Yeah, there is the need of pencil. Yeah, what is? So, you should be passionate about doing what you want to do. And matter whatever odds come your way, you should be able to face them. Perfect. Can we have a clap for us? Never die attitude. देखिए इसमें दो चीज बहुत क्लियर कट है. बिजनेस में भी वही चीज है. कंपटीशन आपके सामने तगड़ा है. आप कुछ भी चालू करेंगे तो रौंदने के लिए आपको सामने खड़ा होगा. ये सत्यता है. आप कोई भी चीज करेंगे, दुनिया घूम रही है नए नए आइडियाज को लेकर, नए नए आइडियाज कॉपी करके अपना बिजनेस चालू करने के. आप कुछ भी करेंगे तो आपको कॉम्पिटिशन खड़ा है. मतलब जो पेंटर है वो कौन है? कॉम्पिटिशन आप है. वो कंपटीशन आपको आ रहा है और अटैक करेगा. आपको कहीं भी मुसीबत में सतर्क लाएगा. आप देखिएगा वो पानी में भी था, वो पेड़ की डंगाल में भी था, वो उसमें भी आपको मिला, सब जगह मिला. लेकिन वो सक्सेस क्यों हो पाया? क्योंकि उसके अंदर बैकअप था. बैकअप वो माँ के रूप में हो, या बैकअप अपने सिस्टम के रूप में हो, बैकअप आपके फाइनेंस के रूप में, बैकअप आपकी टीम के रूप में हो. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी व्यापार अगर आप करेंगे, आपका एटीट्यूड आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है. नेवर डाई एटीट्यूड. क्योंकि आपने एक बार जब डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, तो देन यू कैन नॉट गो बैक. अगर आप पीछे चले गए तो आप ये मान के चलिए आप बिजनेस वुमन नहीं है. ये आप लिख लीजिएगा. डोंट इवन ट्राई सेकेंड टाइम. क्यों? फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आदमी जिस तरीके से मूवमेंट पे लगता है, सेकेंड टाइम में उसकी एनर्जी उतनी हाफ हो जाती, क्योंकि उसको हर वक्त वो दिमाग में सताया रहता है कि मैं कहां फेल हुआ था. और अगर आपने इसलिए कहा गया कि जब भी कोई व्यापार करता है तो बहुत सब बिजनेस प्लान बनाइए, और आप ये भी देखिएगा कि अगर पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव फॉलोअप क्या है. अगर ये अगर नहीं होता है तो, अगर ये अगर होता है तो मैं उसको कैसे उसको ओवरकम करना है मेरे ऊपर. अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी. तो ये नेवर डाई एटीट्यूड वाला बहुत ध्यान में रखिएगा. दिस इज लाइट स्लाइड. I know that a girl knows the limit, but a wise girl knows she has none. आप लोगों के पास में वो सारी खूबियां हैं जो आप अपनी लिमिट को जानते हुए भी आप मुझे मालूम है. एक बार अगर वुमेन डिसाइड कर ले तो वो sky is not the limit for, and she is the one who is already sitting next to us. Yeah. So I must come to this particular end of my topic of 25 business ideas. And I will request any questions. If anything will be there for me, I'll be happy to, you know, give the answer. Yeah, and my contacts are obviously, you know, given there. And if you want any kind of help later on, any kind of, you know, suggestions, or you want to contact me, anytime you can contact me. Okay? Any questions? Thank you very much. So if no questions, that means I am passed. 10 out of 10. Yeah, please. Anytime if you want to give me a call, please come down. My office is here. You can meet me anytime. If you want to discuss a business plan, or if you want to talk about business, I have a lot of opportunities for you. Because we have kept this very crisp in terms of taking the house and how we are going to start. बट अगर आपको हाई इन्वेस्टमेंट और दूसरे लेवल के लिए अगर आपको करनी हो तो दैट ऑल दिस डेटा विल बी हैव. उसमें कोई इशू नहीं है. आप कभी भी इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू. या No, is it related to this? I don't know. No, I am working. Yeah, today actually we are already very short of time. We have to sum up also. Yeah, so maybe after the we finishes with the agenda, you can talk to them. Probably we can talk about it. Yeah, sure. Over a tea or something. Yeah. Okay. So, it's fine? Yeah. Thank you very much. Thank you.
सो मच सर, इतना इन्फॉर्मेटिव था कि वी वर स्पेल बाउंड एक्चुअली. नाउ बिफोर वी कंक्लूड दिस प्रोग्राम, देयर इज एन अनाउंसमेंट व्हिच आई वांट टू मेक फॉर ऑल ऑफ यू. April 8th, Saturday, we are having Rashmi Bansal in our forum. आपने अगर सुना होगा रश्मि बंसल का नाम, शी इज अ फेमस ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर ऑल्सो. बहुत अच्छे बुक लिखे हैं उसने. हर लिटिल बुक इज ऑल्सो कमिंग आउट नाउ. शी विल बी कमिंग हियर इन द इवनिंग फ्रॉम 5:00 टू 7:00. इट्स फ्री फॉर ऑल. आप सब आ सकते हैं. मोस्ट वेलकम. नाउ आई रिक्वेस्ट आसिफ सिन्हा सर टू सम अप दिस प्रोग्राम. Thanks Anita and thanks Sharad, because to keep, you know, so many women in silence a great achievement on your part. Thank you so much. It's the month of March, so month of March is known for International Women's Day. Is celebrated on 8th, I think, 8th of March we celebrated that. So three times they get on 24th March, you know, you could keep most of the ladies in this hall spellbound. So thank you so much, and thanks for giving some of very wonderful ideas. In fact, one idea which stuck to me was, how about a coaching class for how to, you know, handle a smartphone? So because you think of any problem, that's an opportunity. That's a business opportunity. If I find it very difficult, I become a dud, you know, a dull person to handle my granddaughter teaches me how to handle a smartphone. So I thought that why there cannot be a formal tuition class for smartphone also. So while you were talking, although she talked only about 25 ideas, but actually it could trigger many more ideas. But nonetheless, friends, we know that your interest, your passion is one very important component of starting any business. And of course, if it is with low investment and with using your talent, perhaps things will be far better. Otherwise, I always thought, why BIA thought of, you know, having this program? Because we always thought that the national, 50% of the national talent is virtually wasted. Virtually it is wasted because people, particularly after you have your kids and the kids become little grown up, so aapko lagta hai ki zindagi mein hai kya? My husband is very busy in his career and my kids are also grown up now, so what do I do? तो आपने जो भी पढ़ाई लिखाई किया, आपने जो कुछ ज्ञान हासिल किया, आपके पास जो भी प्रतिभा है, उसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रहा है. और मुझे ऐसा लगता है कि इसे नेशनल बेस्ड, तो जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जो नेशनल बेस्ड हो रहा है, नेशनल बेस्ड शुड बी स्टॉप सम देयर. एंड पर्टिकुलरली यू नो द मिडिल एजेस बेबी, हालांकि लेडीज का एज पूछना नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए, बट मिडिल एजेस लेडीज फील देयर इज अ वैक. And then they feel very, oh, uske chalte kya ho jata, perhaps, you know, it creates a lot of imbalance in the family also. And bachche bhi usse khush nahi rehte, uske pati bhi usse khush nahi rehte, uski saas to kabhi khush rehti nahi. So, in sari samasyaon se nipatne ke liye, Sharad ji ne bahut achhi achhi baatein ki hai. Main sirf yehi kahunga ki the technology ka istemal karna agar achhe se seekh sake, aur अगर घर में बैठकर फ्लेक्सी टाइम में अगर आप बिजनेस कर सकें तो यू विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल ग्रोथ, एंटायर डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री. सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. आई थिंक दो बातें, तीन बातें और जो शरद ने कहा, जो मैं दोबारा एक बार दोहराना चाहूँगा, वो ये कि आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में, अपने कस्टमर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रहनी चाहिए, और आपकी टीम आपको सेलेक्ट करने में काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए कि आपको सभी ऐसी टीम हो आपकी जो अच्छे से आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो अच्छे से चला सके, और जिसके लिए प्लानिंग इज बहुत बहुत जरूरी है. इट इज एज दे से कि इफ यू फेल टू प्लान, दैट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डूइंग एनी बिजनेस. आई डू होप कि आज के इस एक डेढ़ घंटा जो आप लोगों ने हम लोगों के साथ बिताया, इसमें कुछ ना कुछ आप लोगों को इंस्पिरेशन मिला होगा, कुछ मोटिवेशन मिला होगा, और आपको कुछ क्लूज मिले होंगे. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से जितने अधिक लोग एंटरप्रेन्योर्स बन सकेंगे उस तो तभी BIA की सफलता होगी. BIA का आई वॉज फाउंडर में एंटरप्रेन्योरशिप फोरम, और एंड एंटरप्रेन्योरशिप फोरम इज ऑलवेज अवेलेबल. आकाश इज अवेलेबल, अनिता इज अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग एंड इंस्पायरिंग और यू नो सॉर्ट ऑफ इंस्टिगेटिंग यू टू बिकम एंटरप्रेन्योर. So thank you very much for attending our program, and we do look forward for more attendance in our future programs also. BIA is committed to
entrepreneurship development in Vijayawada. Thank you very much. You can join us for a cup of tea. It's coming behind my back. Thank you very much, Arta. You also, thanks to Rita. Friends, I have to make one announcement. Like VIA, through various forums, regularly organizes a lot of programs for entrepreneurship. Like we have HRD forum, marketing forum, there are so many forums. Unke baad regularly programs hote hain, and which is open and free for all. Aapko VIA ka member hona zaruri nahi hai wo program attend karne ke liye. To bahar ek register hai, agar aap apna naam, mobile number aur email लिख देते हैं तो फ्यूचर में जितने भी VIA के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि अनिता मैडम ने 8 तारीख का प्रोग्राम को बताया, एवरी डे इन VIA देयर इज सम प्रोग्राम, क्योंकि मैंने बताया बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी फोरम है, एक एक्सपोर्ट का फोरम है, टैक्स का फोरम है, तो उसमें अलग अलग उस फोरम से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते रहते हैं. तो बीइंग एंटरप्रेनर हर चीज काम आएगी. आपको टैक्स के बारे में भी पता होना चाहिए, आपको मार्केटिंग के बारे में पता होना चाहिए, जैसे सर ने बोला HR के बारे में पता होना चाहिए, टैक्सेशन के बारे में पता होना चाहिए. तो अलग अलग फोरम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है. तो इफ यू रजिस्टर योर सेल्फ, इसके अलावा न्यूज पेपर और डिजिटल मीडिया में भी वी ट्राई टू गिव. तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप रियली में एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड है तो ये सब फ्री प्रोग्राम के लाभ उठाए, एंड प्लीज रजिस्टर योर सेल्फ एंड प्लीज अटेंड ऑल अवर प्रोग्राम इन फ्यूचर. थैंक यू. प्लीज जॉइन अस फॉर अ टी. एंड शी हैज टू मेक सम अनाउंसमेंट. I just need 2 minutes. Actually, I'm a student, but I have participated in a Maharashtra level competition. Its name is Transform Maharashtra. And the theme is I have selected out of those 11 themes that were mentioned. My theme is Leap of Faith, Bridging the Digital Divide. मतलब जो डिजिटल डिविजन क्रिएट हो गया है अर्बन और रूरल लोगों के बीच में, जैसे सर ने भी डिस्कस किया कि स्मार्टफोन हैंडलिंग का, तो ये सेम कंसेप्ट वही है कि हम डिजिटली सबको स्ट्रॉन्ग बनाएं और जो ये डिविजन हुआ है उसे दूर करें. तो फॉर दैट वी हैव टू शो आवर आइडिया. सो जो मैंने आइडिया वहाँ पे प्रेजेंट किया है, एक पीपीटी के थ्रू अपलोड किया है उसे ऑनलाइन, वो आइडिया ये है कि मैं एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह आगे आऊंगी और हम एक अपनी कंपनी ओन रन करेंगे और उससे हम लोगों को कनेक्ट करेंगे. मतलब एक तरफ हमारा क्लाइंट है जो आईटी सर्विसेज है और जो डिजिटली वर्क कर रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट वाले हो जाते हैं, जो लैपटॉप और कंप्यूटर सेल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, और दूसरी तरफ वो ले मैन है जो जिसको वो हैंडल करना नहीं आता, उन्हें हम ब्रिज करेंगे बाय आवर वर्कशॉप, ट्रेनिंग, सेमिनार, मॉक टेस्ट. हाँ, तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि हमारा ऑनलाइन की पीपीटी अपलोडेड है, एक लिंक है, आप लोग अगर वो अभी आपके सबके हाथ में स्मार्टफोन है तो यू कैन जस्ट गो ऑन योर क्रोम एंड जस्ट टाइप दिस लिंक. आपको अपने FB के अकाउंट के थ्रू उसमें वोट करना है, तो इट्स जस्ट लाइक हिटिंग अ लाइक. एक लाइक हिट करने की जगह आप वहाँ पे अगर मुझे वोट देंगे तो मैं टॉपली में आ सकती हूँ, और अगर मैं टॉपली में आऊंगी तो मुझे आगे इस चीज को प्लेटफॉर्म मिलेगा बढ़ने का. तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज, ये छोटी सी लिंक है, जस्ट टाइप 1yo.co/DIG. ये हमारा पैम्पलेट है, इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, हमारे टीम का नाम है और स्कैन कोड भी है, QR स्कैन कोड भी आप इसे स्कैन भी कर सकते हैं. तो इफ यू जस्ट टाइप दिस 1yo.co/DIG, यू कैन टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस ऑल्सो. एंड मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज वोट करें, क्योंकि हम चाहते कि विदर्भ से एक टीम जाए वहाँ पे, बिकॉज पूरे महाराष्ट्र में कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन इज टफ. वी वॉन्ट ये ऊपर बूस्ट होकर हमारा नाम आए, तो प्लीज वी वॉन्ट यू ऑल नागपुरियंस टू वोट फॉर दिस टीम. वो भी दो ही लोग.
Oh yes, I will be back. I'm sorry, in that in my car, you know, you don't have